few moments later. तो मैं गैस, कैसे आप सब? अभी सुबह के 7:15 बजे एक्चुअली, और वीडियो अपलोड कंप्लीट हो चुका है, आज 11 बजे आ जाएगा। और मैंने पिछले एक या दो दिन से व्लॉगिंग नहीं की एक्चुअली, तो फैमिली इशू एक्चुअली कुछ। अभी ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनाई दे रहे हैं आसपास के, और कोविड का सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मन ही नहीं करता व्लॉग करने का। सो यार, कोशिश रहता है कि हमेशा तो पॉजिटिव होकर बनाओ या फिर न्यूट्रल होकर अच्छे से बनाओ। अब दिन भर ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी तो अच्छा लगेगा नहीं बनाने में। सो दैट्स वाई अभी कल शायद ये व्लॉग मैंने परसों या उससे एक दिन पहले शूट किया था और आज जाकर अपलोड कर रहा हूँ। सो आई होप यू गाइस लाइक इट, बताना कैसी लगी। और हाँ, होमवर्क और जल्दी आएंगे, अभी इसके लिए माइक का इंतज़ार करो, माइक ऑर्डर हो चुका है फाइनली, 16-17 को माइक आ जाएगा। उसके बाद होमवर्क और थ्रू टीम में शेयर करूँगा, थोड़ा आप दोस्तों बातचीत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, ये घर घर वाली आवाज़ नहीं आएगी। आई नो मेरी आवाज़ खुद कुछ इतनी खास नहीं है, लेकिन माइक से थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। सो या अंटिल देन, जब तक ये ख़त्म हो चुका है मैं जाता हूँ सब्सेशन है, उसके बाद भूख भी लगी। सो गाइस, अभी 11 बज रहे हैं और टाइम है कैरम का मैच का, ब्रेकफास्ट हो चुका है हम लोग का, वो सब शूट नहीं कर पाए एक्चुअली, मेरे फ़ोन की बैटरी कम थी, अब एक ही फ़ोन से शूट करना पड़ता है, यू नो टिपिकल स्मॉल व्लॉगर। ठीक है, जैसा भी है, तो अभी कैरम का मैच होगा, मैं मेरे भाई और शायद मम्मी भी खेलेगी। सो देखते हैं, और इसके बाद देखते हैं शायद थोड़ा एडिटिंग के बारे में देखना है। और अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया कि जो मेरा माइक है वो फाइनली शिप हो चुका है, तो शायद 14 या 15 तारीख को आ ही जाएगा, और तो देखते हैं। सो कैरम का मैच खत्म करते हैं, उसके बाद प्री वर्कआउट मील बनाया जाएगा, उसके बाद थोड़ा जल्दी वर्कआउट इसलिए करूँगा क्योंकि शाम को ज़्यादा उतना फिर मे भी बारिश हो नहीं हुआ दोनों। सो मिलता हूँ आपको कैरम का मैच के बाद। सो गाइस, कैरम का मैच खत्म हो चुका है, टाइम है प्री वर्कआउट मील का, वही हमारा ओट्स और कॉफ़ी। सो ये ख़त्म करते हुए मैं सोच रहा था, आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, एक वक्त हल्का कुकिंग के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। आई नो बहुत ऑकवर्ड सा चीज़ है मेरे लिए, लेकिन नहीं पता, सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट एक दो चीज़ होनी चाहिए जो मेरी खूबी रहे, इन द सेंस कि मुझे भी कुछ आना चाहिए बनाने के लिए। एक्चुअली मुझे सिर्फ एक चिकन सैंडविच बनाने आता है जो कि ग्रिलर पर बनता है, एक ओट्स आता है और सोयाबीन, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता बनाने। तो सोचा हूँ कुछ ना कुछ अलग ट्राई किया जाए, जैसे कि पनीर से रिलेटेड कुछ या फिर कुछ हेल्दी। सो उसी के बारे में था यूट्यूब पे देखूंगा और देखता हूँ कुछ, और अगर मिलता है तो। हाँ, मुझे एक्चुअली एक सैंडविच भी बनाने आता है, आई नो मतलब ठीक है, वो तो कुछ खास तरह नहीं बचते। हाँ, एक सेकेंड तक एडिटर भैया या फिर यूट्यूबर भैया बोलिए। सो हम लोग साथ में बैठ के देखेंगे अभी थोड़ा कुकिंग के बारे में, और फिर मिलता हूँ आपसे वर्कआउट में। I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad,
I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make believe. So I sit in the corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs. By the time I find a remedy, I don't wanna make you feel bad. गाइस आई एम बैक. ठीक है, बहुत क्लीशे था, मतलब वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और अपन फ्रेश होकर आ चुके हैं. पोस्ट वर्कआउट मील मैंने कुछ बनाया नहीं, वैसे कुछ भूख लग नहीं रही. मैं भी थोड़ी देर बाद बनाऊंगा. एक सेकेंड बेटर. सो भैया पानी लोगों ने बनाने का मन था, लेकिन थोड़ा कोरिया टाइप का इंसान हूँ. जो लोग कोरिया का मतलब नहीं पता, मैं हल्का लेजी, हल्का क्या, बहुत ज़्यादा लेजी हूँ मैं. बस एक वर्कआउट टाइम रहता है जो मैं फुल डिसिप्लिन के साथ करता हूँ. बाकी दिन का कोई काम दे तो मुझे अभी दो का मैं एक घंटे बात करूँगा. अंदर से मम्मी खुद इससे परेशान है, अभी कोई काम देगी मैं जब तक वो दाँते नहीं तीन चार बार तब तक मैं करता नहीं. आई नो बहुत अच्छा अच्छा नहीं, मतलब अच्छा आदत नहीं है, लेकिन क्या करें. अभी लॉकडाउन का बस एक ही दिक्कत है कि आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते. यू नो सबसे ज़्यादा आप वही मिस करते, चाहे वो आपके कॉलेज के दोस्त हो या घर के दोस्त हो या मोहल्ले के दोस्त या फिर स्कूल के. यू नो मुझे, मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ आदमी हूँ, मतलब एक्सट्रोवर्ट बोल नहीं सकते, बस यही कि अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ. अरे कहना क्या चाहते हो? अकेले रहते रहते ज़्यादा बोर ही हो जाता हूँ. अकेले मुझे बस, हाँ जिम में छोड़ दो मैं खुश हूँ, लेकिन बाकी टाइम एटलीस्ट कोई ना कोई दोस्त चाहिए बात करने के लिए. मैं बहुत ज़्यादा बकर बकर करता हूँ एक्चुअली, चपर चपर वाला आदमी हूँ. लेकिन ठीक है, अंदर सब कुछ ठीक होने होता है, सब क्या ही किया जा सकता है. मैं एक्चुअली दोस्त काफ़ी है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. सो जब लॉकडाउन खुलेंगे, सबसे पहला दिन जिस दिन भी खुलेगा, सबसे पहला दिन तो जिम, क्योंकि जिम से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है मुझे. वो वर्कआउट करना एक से डेढ़ घंटा, वो उस समय आप सब कुछ भूल जाते हो. जो जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर देते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं किस चीज़ का. वो डेढ़ घंटा दिन भर की सारी स्ट्रेस सारी थकान मिटा देता है. और उससे बेस्ट चीज़ मुझे नहीं लगता, मुझे मेरे दिन भर में कुछ और रहते हैं. सो उसके बाद एक प्लान भी हम लोग का वेव इंटरनेशनल या नेत्रहाट जाने का. मेरे दो दोस्त हैं, आयुष और अमन, स्कूल के दोस्त हैं, तो उन्हीं के साथ प्लान बन रही थी. सो देखिए, और उसमें से एक आयुष है जो मेरे साथ खुद ट्रेन करता है. हम लोग साथ में ही, हम लोग ने ट्रेन करना शुरू किया था, मतलब मैंने शुरू किया, फिर दो तीन महीने बाद उसने शुरू किया. अभी पिछले जब लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, तब वो कोई और जिम में ट्रेन करता, मैं कोई और, क्योंकि मेरा शेड्यूल था अलग था. उसकी कॉलेज लाइफ थी और मेरा था दुकान का शेड्यूल के कारण मुझे कोई सही टाइम नहीं मिल पाता. मैं एक्चुअली कभी रात को ट्रेन करता था. सो होपफुली अब जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सो मेरा स्टाफ भी आ जाएगा. मतलब एक्चुअली मेरी जो शॉप है उसमें एक बहुत पुराना स्टाफ है, वो जब आ जाएगा, सो मैं आयुष और अमन साथ में वापस ट्रेन करना शुरू करेंगे. बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को मिलाऊंगा एक दिन लोग से. सो गाइस शाम हो चुकी है, सोचा आज का चाय मैं बनाऊँ, मम्मी खुश हो जाएगी. सो चलिए बनाते हैं. तो गाइस चाय तैयार हो चुकी है, चलते हैं. अब चाय तो अच्छी दिख रही है, अभी थोड़ा सा चाय आप इसके लिए पूछेंगे. सो एक्चुअली मैं जो भाई और ज़्यादा चाय पीना नहीं, लेकिन उसे साथ पीना है, दैट्स राइट. चलते हैं, मैं टिपिकल चाय और सीन. सो गाइस अभी शाम के 7:30 बजे है और चाय हम लोग सब ने पी ली, मम्मी को बहुत अच्छी लगी चाय. सो अभी कैम का मैच चल रहा था, इसलिए हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया. कैम का मैच मम्मी ने आधे, मतलब मम्मी को आधा छोड़ के जाना पड़ा डिनर बनाने के लिए.
वही मैंने मम्मी को भी बताया कि मैं पनीर सैंडविच बनाने का सोचा, और मम्मी ने जो जो बेइज्जती की, बोले कि पहले ढंग से चाय बनाना सीख। मतलब आज का चाय अच्छा था, मैं बहुत कम कुछ बनाता हूँ ना, तो मम्मी को उतना भरोसा है नहीं हम पे। जो लोग मेरी मम्मी को जानते हैं, जो लोग मेरी मम्मी से मिल चुके, उन्हें पता है कि मेरी मम्मी को एक चीज़ बहुत अच्छे से आता है, मेरी बेइज्जती करना। करके सोच रहा हूँ कि मेरा ब्लॉग चाहता था कि मम्मी का रोस्टिंग चैनल शुरू कर दूँ। बता रहा हूँ, वो मेरे से ज़्यादा सब्स कमाएंगे। मतलब इतनी गंदी बेइज्जती, इतना तुच्छ बेइज्जती। अगर मैं कभी जिंदगी में, मतलब अभी का तो कुछ नहीं, अगर कभी मेरी जिंदगी में 1-1K सब्सक्राइबर हो गए, करवा दो यार। अगर 1 सब्सक्राइब 1K सब्सक्राइबर, मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, मैं कितना भी खुश हो जाऊँ, मम्मी खींच के वही 50 सब्सक्राइबर में खुशी पे गिरा देगी, कुछ नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन मतलब सपोर्ट पूरा रहता है मेरी मम्मी का, लेकिन यू नो हमेशा ज़मीन पे रखती है। लेकिन कोशिश करूँगा वही पनीर सैंडविच बनाने का, वो बना के देखता हूँ। कोशिश रहेगा बस अच्छा से बन जाए, क्योंकि अभी कुकिंग का नया नया शौक चल रहा है, और पहले चीज़ अगर खराब बना तो फिर आगे बनाने का मन नहीं करेगा। सुना अभी और कुछ है नहीं करने के लिए, क्यों दिखा यही चीज़ करता रहता था। लेकिन इसका आप ध्यान रखिए, रेड का कलर हो चुका है, और एक का ब्लू ब्लू का भी कलर हो चुका है। एक नया क्यूब की मुझे एक नया क्यूब मुझे सोच रहा हूँ मैं लूँ या नहीं लूँ अभी नहीं, लेकिन कुछ दिनों में पक्का लूँगा। उसका एक रीज़न है, वो 3-4 लोग बाद आपको बताऊँगा कि अभी बहुत कुछ लिया जा सकता है, लेकिन सोचा क्या लू नहीं लू, क्योंकि अभी माइक मंगवाया गया, एक माउस मंगवाया गया, तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो चुका है, तो बजट मेंटेन करके चलना है। अभी चलता हूँ, देखता हूँ क्या बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि मम्मी को खाने में जो मज़ा है उससे अगर कुछ नहीं। मम्मी अगर किसी से बात कर दी आता हूँ परेशान कर। डिनर हो चुका है, थोड़ा हैवी डिनर हो चुका है एक्चुअली। मैंने 4 रोटी खाए, सोच रहे हैं क्विक वॉक के लिए चले जाओ छत पे। अब काजू के लिए वापस अभी कुछ हाई इंटेंसिटी काजू किया जा नहीं सकता, लेकिन छत पे जाके 10-20 मिनट का वॉक ले लिया जाएगा। उसके बाद देखता हूँ आके, वैसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, अभी रात के 9 ही बजे, तो देखता हूँ कुछ और किया जाएगा। मे भी थोड़ा एडिटिंग के बारे में सीखेंगे या फिर कुछ भी। 12 o'clock midnight। ओके गाइस, इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, नहीं पसंद है डिसलाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करना दोस्तों के साथ। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सहना।